क्लियर हो गया। अगली गल सुनो, शेर का गां कद झगड़ा नहीं होया, उकाब का हाथी कद झगड़ा नहीं होया, तो साढ़े तलवारा निकल जाए, तू मांस खाना है, तू आ करना है, तू नरकन लै देखो किथे तुसी किथे बैठे हो। हाले तक इस गुरमत ज्ञान आप रसोई चौके तक ही सीमित रखना है, पुठा मांस खाना मांस खाने की गल नहीं है। गुरु की बाणी पढ़ो, कहो ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली धन मलेशा खाई, अंतर पूजा पड़े कतेबा संयम दुर्गा भाई, छोटी रे खंडा नाम लिये जाए तरंदा, मानस खाने करे निवाद छुरी बगाए तिनकर ताक, तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे कोई साध, कूड़ी रास कुड़ावा पार, कूड़ बोल करे आहार, सर्व धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर, मथे टिक्का दे धोती का खाई, हर छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पहरो वे प्रवान, मलेश ताले पूजे प्राण, अब पाखिया का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना, देखे चौका कटी कार, ऊपर आए बैठे कुड़ियार, पत पिटे वे मत पिटे एवान साडा फिटे, तल फिटे फेड़ करे मत उठे चुरी, प्रेम का नानक सच ते आई है, सोचो होवे ता सच पाई। ये श्लोक कादे वास्ते रोज सुनदे आ सारी बार, हाले भी भुलेखा दूर नहीं होया, नहीं दूर होया, क्योंकि सानू गुरु नानक दा कहा जवाब परवान नहीं, सानू तां ओ बंदा चाहिदा जिहड़ा कह दे नहीं खाना चाहिदा, जां ओ बंदा चाहिदा जिहड़ा कह दे खाना चाहिदा। ओ प्यारियो, इह गुलामी दा प्रतीक है पुठा शब्द, गुरु के सिख ने गुलाम नहीं रहना, आखो सतनाम श्री वाहे, इह गुलामी दा प्रतीक है। औरंगजेब ने देखिया कि अज इन्हां दे उत्ते पाबंदी लाई जा, इह हिंदू कौम दी गुलामी वास्ते गुरु साहिब जी ने शब्द विचार। एक बसंत हंडोल महला पहला दा शब्द है गुरु नानक देव महाराज जी का, शब्द शुरू होता है बहुत विखम शब्द है गुरु नानक देव महाराज जी का, कितने समा बनिया कि इस शब्द के अर्थ करन वास्ते ही तुसी मैनू उचेचे तौर ते बुलाउणा। शब्द शुरू होता है बसंत हंडोल महला पहला, 9, 7, 14, 3, 4 कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौहत दिए एका एक बेरी, मां मेहरबान मधुसूदन माधो ऐसी शक्ति तुम्हारी। इस शब्द के अंदर एक पंक्ति आती है, घर घर मिया सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। की पंक्ति है, गुरु नानक देव महाराज जी ने हिंदू कौम की गुलामी का जिक्र किया है। हिंदू कौम इन्नी गुलाम हो गई सी भी इन्हों का पहरावा भी अपना नहीं रहा, इन्हों की खुराक आकर अपनी भी नहीं रही। औरंगजेब ने कह दिता भी जे तुसी मांस खाना है तो साड़ी दुकान तो साड़ी शॉप तो जो बिस्मिल्ला कह के तैयार किया जाए पुठा मुसलमानी तरीके, तुहानू खाण की भी आजादी नहीं है, तुहानू पहनण की भी आजादी नहीं है। हिंदू सवेरे उठ के मुसलमानों के घर जाके कहता मियां जी अस्सलाम अलैकुम, तो हो गया कहता सी वालेकुम सलाम। यह गुलामी का प्रतीक है पुठा शब्द, पर असी इसनू मांस खाण नाल ही जोड़ लिया, इहदा मतलब साडी जुबान नू चस्का है, जिहड़ा कदे नहीं खाता ना वह भी मांस दीआं गल्लां करूगा, इहदा मतलब तेरा चित करदा है खाण नू, जे तू नहीं खाता तो गल ही ना कर। जिन्हें नास्तक बंदे ने सारे रब दीआं गल्लां कर गए, जब तुसी हो ही नास्तक ते तुहानू रब दीआं गल्लां करदा, इहदा मतलब अंदर रस है। मनुखी शरीर के अंदर 9 रस ने कायम, उन्होंने एक मास रस है, रस सोयना, रस रूपा कामन, रस परमर की वास, रस मंदर, रस शेजा घोड़े, रस मीठा, रस मास, साडा शरीर ही मास का बने। मैं एक जगह प्रोग्राम करके आया, मैं क्या अज आए नहीं गुरुद्वारे, कहते भाई साहब की राती जरा इस कर समझ गए, मैं कहो रात का तो खादा सवेरे निकल गया होना, आ जरा 7 फुट का हूं मास लैके आए हैं, कितने लेके जाऊंगे, केड़े भुलेखे च बैठे हैं। एक होर बेनती करा, टीवी के उत्ते एक दिन मैं एक न्यूज पढ़ी, संसार की जिनी आबादी है, दुनिया की वर्ल्ड पैपुलेशन जिनी है, वो नो ज्यादा जीव साढ़े मुंह में हर वेले रेंगे, आपको सतनाम ले जाओ कितने जाने, क्यों इन्हों भुलेखों पे हुए हैं। पुठा शब्द एक गुलामी का प्रतीक है, बाबा नानक देव महाराज कहते ने कोई तुसी ते गुलामी में जी रहे हो, ना तुहानू पहनण की आजादी रही, ना तुहानू खाण की आजादी रही। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने मेरा खालसा आजाद हस्ती विच विचरेगा, इसने पुठा मास नहीं खाण, जो अंतरी चौथी रहत सी वह सी तंबाकू सेवन नहीं करना। कल ही एक सत्कारयोग भैन जी मैंने मिले, कह लगे ज्ञानी जी गल्लां तो तुसी बड़ियां अच्छियां दसदे आ, पर अजकल नशे का बहुत प्रभाव है, तो बयान पता की कहते हैं, कहते देखो जी महाराज ने शराब तो थोड़ी मना किया, तंबाकू तो मना किया, वाह वाह
अपने मतलब की गल कि बंदे लग जे तो जो मांगे ठाकर शब्द आ गया तेरे वास्ते है जे बिन सरहद संसार आ गया तेरे वास्ते। लो जी महाराज जी ने शराब वास्ते थोड़ी मना किया तंबाकू तंबाकू सब तो घटिया नशा ये तो पावे तू घटिया तो सस्ता तंबाकू सब तो सस्ता और सब तो घटिया शराब वास्ते क्यों नहीं मना किया कदे सोचिए। हाँ मैं दसदा इहदा जवाब प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी कहते हैं शराब पीएगा मनुख खुद बर्बाद होगा तंबाकू पीएगा तो वह आला दुआला भी सब बर्बाद हो जाएगा धुआं मुँह चो निकलता है निकोटीन मुँह चो निकलती है होर जहर मुँह चो निकलती है उस तंबाकू की निकोटीन निकली हुई एक बूंद एक मेढक नूं दे दिओ उस वेले तड़ तड़ के भर जाता है तो मनुख नूं आख्या भी तू इन्ना सस्ता नशा भी नहीं करना पर हुण इसने अपने बचाव वास्ते पता की किया कहिंदा देखो जी जिन्नियां खांसी दियां दवाइयां ने सारियां दे अंदर ते शराब पैंदी है। भाई साहब जी कहते खांसी की दवाई लै दे पैनाड्रिल भी पीती है फेंसाड्रिल भी पीती है कोरेक्स भी पीती है और बथेरी खांसी हो ही जाती है बाहर अंदर फिरते हैं तो अब सिर्फ पीना ही पैदा। लो जी फिर तुम कि मना कर सकते हैं फिर तुम शराब नहीं पीते सुनो मेरी बेनती सब पटारी में प्यार हो सारे उसको देखने वास्ते कोल खड़ो सकते हैं पर जे सब पटारी तो बाहर आ जाए तो दौड़द्या राह ना लभे आप सतनाम श्री वाह भाई वीर सिंह जी कहते हैं जो कुछ मेडिसिन पई हुई है रब ना करे किसी मनुख को क्रोनिक डिजीज भी क्यों ना हो जाए अस्थमा भी क्यों ना हो जाए हर वे भूपी कफ भी उसको क्यों ना आती हो कदे किसी डॉक्टर ने उसको ब्रांडी की बोतल की प्रिस्क्रिप्शन लेके दी है भी जा ब्रांडी पी ला जे को शराब ही सारे पीती है नहीं दवाई मेडिसिन मेडिसिन है ओदा उसके नशे वास्ते सेवन करना थे। आज साडा पंजाब इन्हां नशियां और विषयां दे अंदर एडा गलतान होया करदा है कि उत्थे ते धार्मिक स्थानां दे उत्ते शराब दीआं बोतलां दे लोग मत्थे टेकदे ने ट्रकां दे ट्रक लिया के खड़े कर दिंदे बाबा साडी जरा तू बेनती पूरी करी ते तू लोकां दे घर बर्बाद करके अपने घर खुशी चाहुणा एदां नहीं हो सकदा इह चार पंजर करता सतगुरु जी ने सानूं दित्तियां परतनगामी नहीं होणा केसां दी बेअदबी नहीं करनी पुठा मास खत्म कर दी सतगुरु जी ने और तंबाकू सेवन भाव नशे का सेवन नहीं करना जिहड़ा मनुख इन्हां चार ग्रहतां दे उत्ते रहेगा उसका अमृत कदे भी खंडन नहीं होगा कंधा डिगण नाल अमृत खंडन नहीं हो जाएगा याद रखना किसी बेअमृती दे नाल लगन नाल साडा इह अमृत ना होया भी इत्थे मामूली जी गल किसी बनी टाई ते धर्म नूं खतरा किसी कहा आई ते धर्म नूं खतरा किसी बनी साड़ी ते धर्म नूं खतरा किसी बनी दाढ़ी ते धर्म नूं खतरा हद लिथ गई यह धर्म ना होया होई मोमबत्ती झट पिघल गई लगी धुप तत्ती इन्हां चीज़ां नाल नहीं अमृत खंडन हुंदा अमृत खंडन होवेगा जे वह चार बजर ग्रहता विचों आपां एक भी कर लई जाने अणजाने अंदर हो गई तो घबराउणा नहीं पंजां प्यारियां दे जाके बड़े अदब नाल उहनां नूं बेनती करनी पता नहीं किहड़े सरकमस्टांस अंदर मेरे तो भुल होई है तुसीं बख्श दिओ जदों असीं कन्फेस कर लवांगे उह पंज प्यारे फिर सानूं दुबारा गुरु दे इस मार्ग दे उत्ते दृढ़ करा देणगे जी। इह सन कुछ बेनतियां जिहड़ियां तुहाडे नाल कीतियां ने हुण आपां इहनां चार बजर परैतां ते पैरा देणा बाकी जो करदे आं करी चलो कोई चिंता वाली गल नहीं कुछ नहीं होने लगा अमृत इन्नी मामूली चीज नहीं है पर हाँ आखिर पाबंदी असूल रखने वास्ते सानू गुरु साहब जी ने आख्या है कि जे तू इन्हां चार बचर ग्रहता तो बच जाएगा तो जीव बारो निर्मल हो जाएगा उन्हां पंजां ने सतबचन कहा तो सतगुरु कहते फिर हुण मैनू भी अमृत छकाओ अमृत छकाया तो फिर 20,000 बंदे ने एक दिन विच अमृत पान किया सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दसदे मुबारक तो गुरु कृपा करे असी भी अमृत छक के गुरु वाले बनने का यत्न करिए जी इन्हां बेनतियां प्रवान करना। पिछले दो दिन तो यह चौथा प्रोग्राम दास ने तुहाडे नाल सांझा कीता है और विसाखी पुरब के संबंध अंदर ही बचन हुए ने हाले जिहड़ियां रहतां दी गल सी वह भी बाकी रह गई क्योंकि समा संपूर्ण हो गया हाले तुसीं प्रहता ही ध्यान में रखना तो बाकी जो करते हो करी चलो साडा गुरु बड़ा समर्थ है जो भुल हो जाएगी तो सतगुरु सानू बख्श के फिर अपने पिछले अंगण बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावे पर रोज फिर अगले दिन यही भुल ना करिए फिर अगले दिन यह भुल ना करिए अगले दिन यह भुल ना करिए एक भुल हो गई उसनों उस दिन तो तौबा कर ली तो इदा साडा जीवन किसी पाबंदी आ जाएगा निर्मलता आ जाएगा तो जीओ बार निर्मल होके सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं मैं हम कसम खा के अकाल पुरख की और गुरु की कहना कि या मैं रचना मिथ्या बाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी जी भुला चुका देखे मां फिर मिलन की आस
दास ने बड़े लिखे प्रोग्राम मुताबिक जाने जी आप सर्वत संगत आज्ञा बख्शो फतेह के जाओ वाहेगुरु जी का खालसा। भाला तीजा न दिखे ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परियां शब्द गा बणियाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया सब विसारणा सबना गला समरथ स्वामी सुखो मनो विसारे साजे साहेबा क्या नहीं करते रे सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे साहेब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो कर शांत सुख मन अवसया जिन इच्छा सब पुजाया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे वस किते काल कंटक मारिया कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल बसूरे संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु दिवस रात दाई दाया खेले सगले जगत करमी आपुआ